प्रदेश के देवरिया में भीड़ में घुसी बेकाबू कार, हादसे में 6 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल, सभी घायलों को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। एक धार्मिक आयोजन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने जुटे थे लोग, अचानक अनियंत्रित होकर भीड़ में जा घुसी कार, भीड़ ने कार चालक को दबोचा, गाड़ी पर गोरखपुर जिले का नंबर। बाड़मेर में बीती रात एक शादी समारोह में पहुंचे बीजेपी सांसद कर्नल सोनाराम को एक शख्स ने जड़ा थप्पड़, पुलिस ने किया गिरफ्तार। शादी समारोह में पहुंचे सांसद के साथ आरोपी युवक की हुई थी नोकझोंक, बाद में युवक सांसद को चाटा जड़कर साथी के साथ फरार हुआ, पुलिस ने नाकेबंदी कर पकड़ा। मुंबई के कमाठीपुरा में बीती शाम 36 साल की महिला की गला रेलकर हत्या, वारदात के समय घर में अकेली थी महिला, 3 साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। सोमवार को दिल्ली में 2 अलग अलग जगहों पर हुए सिलेंडर धमाके में 6 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग जख्मी। पहला सिलेंडर ब्लास्ट दिल्ली के गांधीनगर इलाके में हुआ, एक घर में हुए धमाके में एक महिला समेत 3 लोगों की हुई मौत, 11 घायल। दिल्ली में आश्रम के पास सनलाइट कॉलोनी के एक घर में भी फटा सिलेंडर, हादसे में 3 लोगों की गई जान, करीब 20 घायल। यूपी के हापुड़ के कोतवाली इलाके में पावर स्टेशन में लगी भीषण आग, बिजली घर की कई मशीनें जलकर खाक, शहर की बत्ती गुल। हापुड़ में समाजवादी पार्टी के नेता के भाई पर बदमाशों ने बरसाई गोलियां, गंभीर हालत में मेरठ के अस्पताल में भर्ती। मुफ्ती की अगुवाई में पीडीपी बीजेपी सरकार बनने के बाद आज पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर पीएम मोदी, कटरा में करेंगे रैली को संबोधित। वैष्णो देवी तीर्थ स्थल बोर्ड की ओर से बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे पीएम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी करेंगे उद्घाटन। पाकिस्तानी जेल में दम तोड़ने वाले कृपाल सिंह को आज नसीब होगी वतन की मिट्टी, लाहौर में पोस्टमार्टम के बाद वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत लाया जाएगा शव। कृपाल का शव भारत पहुंचने से पहले रिश्तेदारों में शुरू हुआ दावों का खेल, परमजीत कौर नाम की महिला ने खुद को बताया कृपाल की पत्नी, शव सौंपने की मांग की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन के सामने उठाया मसूद अजहर पर वीटो का मुद्दा, रूस में चीनी विदेश मंत्री के साथ बैठक में जताई भारत की नाराजगी। कर्नाटक में सूखा प्रभावित जिलों के दौरे पर गए सीएम सिद्धरमैया को धूल से बचाने के लिए प्रशासन ने सड़कों पर बहाया 1000 लीटर पानी, सीएम ने कहा डिप्टी कमिश्नर से मांगी है रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले सड़कों पर टैंकर से किया गया पानी का छिड़काव, सीएम के काफिले को धूल से बचाने के लिए पानी की बर्बादी, विपक्ष ने सीएम को घेरा। सेल्फी पर मचे बवाल पर पंकजा मुंडे ने दी सफाई, कहा विभाग के कामकाज के लिए ली थी तस्वीर, बीजेपी ने पंकजा का किया बचाव। कोहिनूर पर अब दावा नहीं करेगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से कहा गया अंग्रेजों ने लूटा नहीं था, उन्हें गिफ्ट किया गया था। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्र भूले मर्यादा, मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ की आपत्तिजनक टिप्पणी। जो देश के तीसरे नंबर का विभाग है, प्रधानमंत्री गृह मंत्री के बाद एचआरडी मिनिस्ट्री, मेरे शब्दों में उन्हें समय से पहले और उनकी हैसियत नहीं अवकाश से ज्यादा उन्हें मिल चुका है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का बयान, बीजेपी की सरकार बनने पर मुलायम और मायावती को भ्रष्टाचार के लिए जेल भेजेंगे। यूपी के फैजाबाद में पुल का उद्घाटन करने पहुंचे यूपी के सीएम अखिलेश ने कहा घर के खानसामा के कहने पर मजबूरी में बनवाया पुल। 9000 करोड़ का कर्ज दबाकर विदेश भागे माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, ईडी की याचिका पर मुंबई कोर्ट ने जारी किया समन। दिल्ली में ऑड इवन के दौरान प्राइवेट टैक्सियों की मनमानी पर हाईकोर्ट सख्त, दिल्ली सरकार से मांगा जवाब, 25 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। कोलकाता में शॉर्ट्स पहनने और सिगरेट पीने पर नामी कॉलेज की छात्रा से मारपीट, तस्वीर भी उतारे, तृणमूल कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। दिल्ली से सटे गुड़गांव में 27 साल की महिला का उसे पूर्व पति के ने पॉर्न साइट पर डाली तस्वीर, न्यूजीलैंड में रह रहे शख्स ने तस्वीर के साथ फोन नंबर भी डाला, पीड़ित ने पुलिस में की शिकायत। जोधपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में सीनियर छात्रों को दी गई फेयरवेल पार्टी में परोसी गई शराब, विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कार्रवाई की कही बात। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भीषण गर्मी में घर घर जाकर बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे स्कूली बच्चे, बीजेपी प्रत्याशी के सफाई उत्साह में खुद हमारे साथ आए बच्चे।
गुजरात के जूनागढ़ में तेंदुए को बचाने के लिए मुर्गी की बलि, तेंदुए को गहरे कुएं से निकालने के लिए पिंजरे में डाली गई थी मुर्गी। बदायूं में वन विभाग को चकमा देकर गायब हुआ तेंदुआ, तेंदुए को पकड़ने के लिए ग्रामीणों ने कुएं में छोड़ा था मुर्गा, लेकिन शिकार छोड़कर भागा शिकारी। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क के पास एक बाग में किसान पर किया हमला, खेत देखने गए किसान को मौत के घाट उतारा। उज्जैन में पंचायती अखाड़ा महानिर्माण की निकली पेशवाई, साधु संतों को देखने विदेशी सैलानियों की भी जुटी भीड़। वर्ल्ड हेरिटेज डे पर रंग बिरंगी रोशनी में नहाया मुंबई का सीएसटी स्टेशन, देश के 32 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल। महाराष्ट्र में सूखा पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया अभिनेता अक्षय कुमार, जलयुक्त शिविर अभियान में 50 लाख का दिया दान। अभिनेता ऋतिक रोशन और कंगना रनौत में चल रहे कानूनी विवाद के बीच सोमवार सुबह कंगना के घर पहुंची साइबर सेल की टीम, सूत्रों के मुताबिक घर पर नहीं मिली कंगना। फिल्म सुल्तान की शूटिंग के दौरान सेट पर अचानक बीमार पड़े रणदीप हुड्डा, अपेंडिसाइटिस के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती। बॉम्बे हाईकोर्ट का फिल्म संता बंता की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार, पंजाब कल्चरल हेरिटेज बोर्ड ने फिल्म में सिख समुदाय के खिलाफ चुटकुले पर जताई थी आपत्ति। अस्पताल में भर्ती अभिनेता दिलीप कुमार की सेहत में तेजी से सुधार, लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक अभी कम से कम 3 दिन और अस्पताल में बिताना होगा। आईपीएल सीजन 9 में सनराइजर्स हैदराबाद ने दर्ज की पहली जीत, मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। मुंबई इंडियंस ने जीत के लिए रखा था 143 का लक्ष्य, हैदराबाद ने 15 गेंद रहते जीता मुकाबला। हैदराबाद की जीत में हीरो रहे कप्तान डेविड वार्नर, 69 गेंदों पर नाबाद 90 रन बनाए। आज किंग्स इलेवन पंजाब का अपने घर में कोलकाता नाइट राइडर्स से मुकाबला, मोहाली में रात 8 बजे से शुरू होगा मैच। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने कहा, हमें क्रिस गेल के फॉर्म को लेकर चिंता नहीं, वो किसी भी वक्त शानदार फॉर्म में आ जाएंगे। जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने रचा इतिहास, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी, बेटी की कामयाबी पर माता पिता गदगद। मैक्सिको में एक बार फिर फूटा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी फटने से आसमान में लगा धुएं का अंबार, प्यूब्ला शहर में एयरपोर्ट बंद किया गया। मैक्सिको के रेस्ट्रैक पर एक स्टंटमैन का हैरत अंगेज स्टंट, 97 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही कार को उल्टी छलांग से दी मात। जेरूसलम में हुए ब्लास्ट के फिलिस्तीन से जुड़े हो सकते हैं तार, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिए संकेत। टोरंटो के चिड़ियाघर में टोपी गिरने पर सुरक्षा घेरे को पार कर बाघ के बाड़े में कूदी महिला, महिला को नहीं आई कोई चोट, वीडियो सामने आने पर चिड़ियाघर प्रशासन जांच में जुटा। -41 डिग्री तापमान में नॉर्थ पोल मैराथन में हिस्सा लेने जुटेंगे जाबाज, 18 देशों के 52 प्रतियोगी लेंगे हिस्सा। बाद सेल्फी पर बवाल की, महाराष्ट्र की ग्रामीण विकास और जल संरक्षण मंत्री पंकजा मुंडे लातूर के हालात का जायजा लेने पहुंची थी, वहां सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा करते हुए एक जगह उन्होंने सेल्फी ली, मुस्कुरा।